राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में माना गया है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ में देशद्रोही जैसी टिप्पणी की गई है, जो अभी भी ट्विटर पर मौजूद है। अब न्यायालय ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को अपने बयान दर्ज करने के लिए 4 दिसंबर को तलब किया है। दरअसल 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ में बयान दिया था और उन्होंने देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर ट्विटर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फॉरवर्ड किया। वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले को लेकर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता नितिन शर्मा ने सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद पेश किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश की 2 अन्य मंत्रियों के खिलाफ में मामला दर्ज कर उनके खिलाफ में चालान की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। यह मामला बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में भी स्थानांतरित किया गया, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र सैनी की अदालत में अब यह प्रकरण चल रहा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में यह माना गया है कि उस वक्त आपत्तिजनक टिप्पणी को ट्विटर पर हैंडल से अब तक नहीं हटाया गया है। मैं नितिन कुमार शर्मा, एडवोकेट, पूर्व शासकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक मध्यप्रदेश शासन एवं संभागीय अध्यक्ष कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग, विगत दिवस तो मेरे द्वारा एक परिवाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, दिनांक 26 अप्रैल 2023 को उस न्यायालय में उस प्रकरण में आज न्यायालय में सुनवाई हुई। मेरे द्वारा 4 अक्टूबर को यानी कि पिछली डेट को श्रीमान न्यायालय से ये निवेदन किया था कि ये हाई प्रोफाइल मैटर है, जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्तगण बनाए गए हैं। इस परिवाद में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तुलसीराम सिलावट जी एवं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस प्रकरण में जो स्टेटस रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट है, वो थाना प्रभारी लेवल का अधिकारी नहीं प्राप्त लेके आ सकते। एसपी द्वारा हमने, एसपी साहब द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा हमने इसमें मांग की थी, जो कि आज रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करी है, जिसमें ये माना है कि उनके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर ये डला हुआ है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी को देशद्रोही शब्द से बोला।